खबर मीरपुर से है। मीरपुर हवाई पट्टी विस्तारीकरण के तीसरे फेज की शुरुआत होने से ग्रामीण सकते में आ गए हैं। शुक्रवार को मीरपुर कुंडाडीही बलियरी गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एक होकर बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर के सभागार में एक सभा कर किस प्रकार हवाई पट्टी विस्तारीकरण से बस्ती बाजार उजड़ने से बचे, इस पर गहन चर्चा व चिंतन किया। कार्यक्रम के मुख्य दुधी विधायक राम दुलार सिंह गोड व विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख मीरपुर मान सिंह गोड मौजूद रहे। भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पन्ना लाल जायसवाल ने विधायक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि मीरपुर गांव का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। सरकार हवाई पट्टी विस्तार करके 200 वर्ष पुराना गांव का इतिहास को ही समाप्त कर देना चाहती है, जिसे कतई नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हवाई पट्टी की जो बाउंड्री वॉल है वो पूरब की दिशा में उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए और साथ ही विस्तार हरहोरी गांव तथा परनी गांव के बीच से किया जाए ताकि गांव व ग्रामीण बच सकें। भाजपा नेता सोना बच्चा अग्रहरी ने कहा कि वर्तमान में हवाई पट्टी का रनवे 1968 मीटर का है। अगर 3000 मीटर हरहोरी परनी गांव के बीच से निकाला जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि चौड़ाई अगर उत्तर दिशा की ओर बढ़ाई जाएगी तो कुंडाडीही गांव का आधा हिस्सा हवाई पट्टी की जद में आ जाएगा। गौरीशंकर सिंह ने कहा कि 1948 में सिंचाई विभाग ने छोटी हवाई पट्टी बनवाई थी जो 1968 मीटर की हवाई पट्टी थी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा जब यह कहा गया हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई पट्टी का सफर कर सकेगा, जिसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मीरपुर हवाई पट्टी का सर्वे करा। हवाई पट्टी की लंबाई 1968 मीटर से बढ़ाकर 5000 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर करने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से की, जिसके तहत मीरपुर सहित आसपास के 6 गांव में पक्के मकान के कार्य का निर्माण पुलिस द्वारा रुकवाए जाने लगा और लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा हवाई पट्टी के सटे मकानों का मूल्यांकन व खाली जमीनों का सर्वे कराए जाने लगा, जिसे लेकर ग्रामीण सकते में आ गए। दुधी विधायक को बुलाकर सभागार में ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया। सभी की बातों को सुनने के बाद दुधी विधायक रामदुलार गोड़ ने कहा, मैं स्वयं इस गांव के सटे गांव का निवासी हूं। सरकार हवाई पट्टी का विस्तार करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। वर्तमान समय में हवाई पट्टी के पश्चिम हिस्से में काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं व ज़्यादातर जंगल की ज़मीनें हैं। सरकार जो पूरब की ओर 600 मीटर बढ़ाने की बात कर रही है, उसे बदलकर उस 600 मीटर पश्चिम की दिशा में ही कर दे। इसके लिए मैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बात कर आप लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा। इस दौरान एक 5 सदस्यीय प्रतिमंडल का चयन किया गया, जो वर्तमान समय में हो रहे हवाई पट्टी विस्तार को लेकर जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से वार्ता कर अपनी बातों को रखेंगे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गोड, गौरी शंकर सिंह, पन्ना लाल जायसवाल, सोना बच्चा अग्रहरी, लालता प्रसाद जायसवाल, गणेश कुमार जायसवाल, बबई सिंह मरकाम, दीपक सिंह, रामदेव तिवारी, संजय अग्रहरी, पवन अग्रहरी इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। एयरपोर्ट की समस्या है, हम सब आप लोगों में बताया भी कि एयरपोर्ट जो बने इसकी हम स्वागत भी कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बने जहां बने के यहां के जो आबादी है उसको सब उजाड़ा जाए, उसके पीछे बने। जितना इधर आगे की ओर जमीनें ली जा रही हो, आगे ना ली जाए, हो पीछे की ओर ली जाए। जो आप लोगों सारी बात को अवगत कराए और हम भली भांति से मुझे जानकारी है भी, क्योंकि मैं यही कराने वाला हूँ। सब लोग एक बच्चा बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है, घबरा रहे हैं, यदि हमको गुजर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो हमको भी चिंता है कि हम आप लोग इतना बैठे हैं एक साथ में भी स्थापित हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे। आप लोग से मेरा मुलाकात हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। खुद करेगा सरकार की आप लोगों को जो पैकेज होगा, जो मोजा होगा वो दे देगा, लेकिन जमीन बगल में बसाने को सभी लोगों को भूखरी जमीन है, गवर्नमेंट काम की जमीन इतना है नहीं कि बसाने की सरकार। तो हम लोग आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगा, हम एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। मुझे भी चिंता है आप लोगों का, इसलिए प्यार है जो हम लोग में चलता हूँ एक बगल में और एक साथ रहते हैं। तो आप लोगों की समस्या को मैं जरूर ये प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ चलेगा, मैं जितना हो सकेगा अपने माननीय मुखिया उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज को जरूर अवगत कराऊंगा और इसका विधान कराने का भी काम करेंगे। यह जनता उजड़ जाएगी कि एयरपोर्ट किस काम का, हम इस बात